वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सताक्षी वकील। सो आप टाइटल एंड थंबनेल से तो ऑलरेडी जान चुके होंगे कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। सो विंटर स्टार्ट होने वाला है एंड विंटर के स्टार्ट होते ही हमारे यहाँ पे बहुत सारे हेयर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी लुक देते हैं, डर्ट डैमेज हो जाते हैं, साथ ही साथ डैंड्रफ की प्रॉब्लम एंड फिफ्थ हेयर फॉल। मीन्स विंटर के स्टार्ट होते ही इतने सारे हेयर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सो डोंट वरी, इसलिए मैं विंटर स्टार्ट होने से पहले आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो आज के इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसा ऑयल शेयर करने वाली हूँ ना, जिसे मैंने अपने टीनेजर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया एंड मेरे हेयर बिलीव में काफ़ी ज़्यादा डेंस थे, मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सॉफ्ट थे, लॉन्ग थे एंड मेरे हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा कम होते थे। ये ऑयल मतलब मैं टीनेजर टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ एंड इसका रिजल्ट अमेजिंग है। विंटर के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैं विंटर के टाइम पे शेयर कर रही हूँ एंड इसका रिजल्ट आप खुद देखेंगे यूज़ के बाद। सो वीडियो को लंबा नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड बहुत सारे वीडियो शेयर करते रहती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस ऑयल को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, बट उससे पहले आप जान लीजिए कि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड इजी वे है ऑयल प्रिपेयर करने का। सेकंड थिंग, जो भी इंग्रेडिएंट लग रहे हैं आपको घर पे मिल जाएंगे, बाहर से कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एंड द थर्ड थिंग कि आप इसे 1 से 2 महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले चाहिए आपको कंटेनर जिसमें कि हम ऑयल प्रिपेयर कर सकें। तो आपको ऑयल लेना, आप कौन कौन सा ऑयल ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं या फिर आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। तो आप अपने हेयर की क्वांटिटी के हिसाब से लीजिए। यहाँ पे मैं 1 टाइम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा कम ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा कम है इसलिए। बट आप इसे 1 मंथ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं एक ही साथ। तो आप क्या कर सकते हैं उस टाइम, आप लोहे की जो छोटी कढ़ाई रहती है आप उसमें ये ऑयल को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है, जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो है हिबिस्कस फ्लावर। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हम इसे जानते हैं, हम लोग इसे गुड़हल का फूल कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा ना मानसून से लेकर विंटर तक जब सबसे ज़्यादा खिलता है एंड समर आते आते ये थोड़ा सा कम खिलने लगता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है आपके हेयर के लिए। आप कोई सा भी हेयर केयर प्रोडक्ट देख लीजिए, आपको उसमें हिबिस्कस ज़रूर दिखेगा। आप शैम्पू ले लीजिए, ऑयल ले लीजिए या फिर आप हेयर सीरम ले लीजिए, ये इतना ज़्यादा अच्छा आपके हेयर को ठीक करने के लिए, डैमेज हेयर को ठीक करने के लिए, हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, डैंड्रफ की प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने ऑयल ले लिया 1 टाइम प्रिपेयर करने के लिए, उसमें मैं डाल रही हूँ इसका हिबिस्कस का पेटल्स। ओके, तो अगर आपके पास फ्लावर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, जैसे कि मैं इसे टीनेजर टाइम से यूज़ करूँ, तो मेरे घर पे इसका पेड़ है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे मिल जाते हैं। बट अभी मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पे इसका पेड़ मुझे नहीं मिलता है, दूसरे घर से मुझे 1-2 फूल मिल जाते हैं, तो मैं प्रिपेयर करके यूज़ कर लेती हूँ 1-2 टाइम के लिए। तो अगर आपके पास फूल कम है तब आप इसके लीफ भी ले सकते हैं। यस, जितना फूल में क्वांटिटी रहता है ना, मतलब आपकी हेयर के लिए जितना अच्छा रहता है ना, उतना लीफ भी आपकी हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मेरे पास फ्लावर कम है, इसलिए मैं इसका 1-2 पत्ते भी ले रही हूँ। उसको आप ऑयल में डाल दीजिए एंड आपको इसे हीट अप करना है। यस, आप इसे गैस में चढ़ा दीजिए। तो मैं लो फ्लेम पर चढ़ाती हूँ एकदम एंड इसे मैं 15-30 सेकेंड ले रखूँ, क्योंकि मेरी ऑयल की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए मुश्किल से 15-20 सेकेंड में ना ये अच्छे से ऑयल प्रिपेयर हो जाता है। आप देखेंगे कि जो पेटल्स हैं उसके जो लीव है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ्राई टाइप के हो चुके हैं। ओके, बट अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो आपको 5-6 मिनट के लिए इसे हीटअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे ठंडा होने के लिए रहने दीजिए। जब ये कूल डाउन हो जाए ना, तो आप छन्नी की हेल्प से या फिर कपड़े की हेल्प से ऑयल को अलग कर लीजिए। आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इजी वे में ऑयल अलग हो जाता है, कुछ भी मैसी नहीं है, घर पे इजीली ये प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हिबिस्कस होममेड ऑयल प्रिपेयर हो चुका है एंड बिलीव मी, ये मैजिकल ऑयल आपके हेयर के, मैं टीनेजर टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड मेरे टीनेजर के टाइम पे मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा थिक थे, मेरे हेयर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थे, स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड हेयर फॉल भी बहुत कम होते थे एंड अभी तक मैं इसे यूज़ करती हूँ। मीन्स काफ़ी ज़्यादा असर करता है ये ऑयल, तो आप लॉन्गर टाइम के लिए भी इसे प्रिपेयर करके स्टोर कर सकते हैं। तो मैं जैसे आपको हमेशा कहती हूँ कि विंटर के टाइम पर आपको हॉट ऑयल मसाज करना चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ डबल बॉयलर मेथड के हेल्प से इसे हल्का सा हीट अप कर लेती हूँ अप्लाई करने से पहले। उसके बाद मैं अच्छे से अपने स्कैल्प पे इस ऑयल से मसाज करती हूँ, अपनी हेयर लेंथ पे इसे अप्लाई करती हूँ। तो ये ऑयल में जो हमने हिबिस्कस डाला है वो आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करता है, आपकी हेयर को लॉन्ग करता है, हेयर फॉल को कम करता है, आपकी हेयर को स्मूथ सॉफ्ट करता है, मीन्स नरिशमेंट आपकी हेयर को प्रोवाइड करता है।
बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑयल है। एंड विंटर के टाइम पे मैं इसलिए यूज़ करने के लिए बोलूँ क्योंकि ये फूल विंटर के टाइम पे सबसे ज़्यादा खिलता है, मॉनसून से लेकर विंटर के टाइम पे, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आपको समर पे ये ज़्यादा उगता खिला हुआ नहीं मिलता। तो इसे अच्छे से मैं अपने हेयर पर अप्लाई कर लेती हूँ। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए भी अप्लाई करके रख सकते हैं, उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। आपको 1 मंथ में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मीन्स आपको ऐसा वीक में 2 बार अप्लाई करना है, 1 मंथ में आप रिजल्ट खुद देखेंगे। आपके हेयर फॉल कम हो रहे हैं, आपके हेयर में शाइनेस, स्मूथनेस एंड डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है ना तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ इसी तरीके से लॉन्ग हेयर रिलेटेड वीडियोज़ बहुत सारे शेयर करते रहती हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जो मेरी इंस्टा आईडी है वो है सताक्षी बघेल। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।